शिवपुरी जिले के खनिया थाना में बढ़ते कोरोना वायरस को मद्देनजर रखते हुए संपूर्ण खनिया थाना बंद, जिससे कि मानो हर गली मोहल्ला चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि लोगों से अपने अपने घरों में रहो और सुरक्षित रहो। यह महामारी किसी को पहचानती नहीं है और किसी को भी अपनी चपेट में ले सकती है। खनिया थाना में प्रशासन के शासकीय स्वास्थ्य केंद्र के अधिकारी, तहसीलदार, थाना प्रभारी आलोक सिंह भदौरिया एवं बीट प्रभारी केपी शर्मा का बहुत बड़ा योगदान है, जो 24 घंटे अपनी परवाह न करते हुए नगर में निगरानी बनाए हुए हैं, जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित रहें और अपना अपने परिवार को सुरक्षित रख सकें। शासकीय स्वास्थ्य केंद्र खनिया थाना BMO अरुण झस्या, जो 24 घंटे अपने कर्तव्य को निभा रहे हैं, हर समय खनिया थाना क्षेत्र की जनता के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं, जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित रह सके। वहीं दूसरी ओर व्यापारी माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं, जो बार बार प्रशासन एवं अपने आप से आंख मिचौली का खेल खेल रहे हैं। प्रशासन को देख दुकानों की शटरें बंद कर देती हैं और प्रशासन के जाते ही लोगों को अंदर घुसा लेते हैं। ऐसे में व्यापारी या नहीं समझते या प्रशासन को गुमराह नहीं बल्कि अपने आप को और अपने परिवार को एक महामारी की ओर ढकेल रहे हैं। प्रशासन के तमाम कोशिशों के बाद भी यह खेल जारी है। और अधिक जानकारी के लिए आपको ले चलते हैं खनिया थाना स्वास्थ्य केंद्र BMO अरुण झसिया जी के पास। सर, खनिया थाना में वर्तमान में किस प्रकार की स्थिति बनी है इस कोरोना वायरस को देखते हैं? जैसा कि पता है आपको जी, पूरे देश में, प्रदेश में कोरोना का संक्रमण बहुत तेजी के साथ फैल रहा है। ऐसी ही स्थिति हमारे विकास खंड खनिया थाना की है। खनिया थाना में भी संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। वर्तमान में अभी तक खनिया थाना में 208 व्यक्ति संक्रमित हुए हैं, जिनमें से 117 व्यक्ति ठीक हो चुके हैं। 91 व्यक्ति अपने अभी होम आइसोलेशन में, हमारे सुपरविजन में है। अच्छा सर, आपकी टीम किस प्रकार कार्य करती है क्षेत्र में? सर, हमने अपनी टीमों को दो हिसाब से विभाजित किया है, ग्रामीण क्षेत्र के लिए एवं शहरी क्षेत्र के लिए। जैसे ही हमें सूचना या हमारे पास रिपोर्टिंग आती है पॉजिटिव, कोविड पॉजिटिव व्यक्तियों की, हम तत्काल अपने कंट्रोल रूम से उक्त जय ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एवं शहरी क्षेत्रों के लिए अपनी टीमों को संबंधित व्यक्ति के पास भेजकर उनका परीक्षण कराते हैं एवं उनको दवाई मुहैया कराकर आवश्यक निर्देश और जो समझाइश उसमें दी जाना है वो हमारे टीमों के माध्यम से हम दे रहे हैं। सर, जब जनता को आप 24 घंटे समय देते हैं, मैंने देखा है, तो आप कैसा महसूस करते हैं? सर, काम का बोझ तो है, लेकिन कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि हमको ईश्वर ने लोगों की सेवा करने का अवसर दिया है, तो हम लोगों की सेवा कर रहे हैं, अच्छा लगता है और लोग भी हमारा इसमें सहयोग कर रहे हैं, तो ये सबसे अच्छी बात लगती है कि लोग हमारा सहयोग कर रहे हैं। सर, क्या कहेंगे ऐसे दुकानदारों को जो प्रशासन से आंख मिचौली का खेल खेलते हैं? प्रशासन का वाहन जब आता है तो वो अपनी दुकान बंद कर देते हैं, बशर्ते दुकान ओपन करके वो ग्राहकों को अंदर बैठते हैं। क्या ऐसे लोगों को समाज के दुश्मन माना जाए? बिल्कुल निश्चित रूप से मैं ऐसे दुकानदारों से कहना चाहूंगा और बाकी हम ऐसे लोगों को समझाइश भी दे रहे हैं, लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं कि ये ऐसा जो कार्य कर रहे हैं वो प्रशासन के साथ एवं लोगों के साथ तो धोखा कर ही रहे हैं, लेकिन सबसे पहले वो अपने परिवार के साथ धोखा कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, है ना। तो मैं ऐसे लोगों से आपके माध्यम से अपील करना चाहूंगा कि शासन के निर्देशों का पालन करें एवं अपने आसपास और समाज में इस तरह की जागरूकता लाएं कि अपने घर पर ही रहें, अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें। सर, क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप, जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित रह सके, जागरूक बन सके? सर, हम हर माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं और मैं यही कहूंगा कि अनावश्यक कोई भी व्यक्ति अपने घर से ना निकले, बहुत आवश्यक होने पर ही अपने घर से बाहर निकले, और घर से बाहर निकलते समय मास्क का उपयोग, आपस में सामाजिक दूरी एवं हाथों को सैनिटाइज करना एवं बार बार धोते रहना, ये बचाव के जो हमारे तरीके हैं उनको व्यक्ति को अपने व्यवहार में लाना ही होगा, तभी हम इस वायरस से सुरक्षित रह सकते हैं। और ये जो वायरस वर्तमान में स्थिति निर्मित हुई है,
ये स्थिति पिछली बार की स्थिति से काफी भिन्न है। ये जो वायरस है ये बहुत ज्यादा संक्रमित है और इसमें बहुत खतरनाक वायरस है। मैं आपके माध्यम से फिर अपील करूंगा लोगों से कि अपने घर पर ही रहें, स्वस्थ रहें एवं वैक्सीन अवश्य लगवाएं। वैक्सीन ही एक बचाव का मुख्य हथियार है इस बीमारी के खिलाफ। सर, जो 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनको कब से लगता है कि कब से आ रही है वैक्सीन, कब से चालू होगी लगना? अभी तक जो हमें जानकारी मिली थी उसमें 3 मई से 18 वर्ष के ऊपर के व्यक्तियों का लोगों का टीकाकरण होना था जी। और अभी अपडेट शाम तक हमारे पास आएंगे, वरिष्ठ कार्यालय से जैसे निर्देश आएंगे वैसा आगे कार्य करेंगे जी। धन्यवाद सर। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।